हालेलुया, सबको जय यीशु, हालेलुया। यीशु अच्छा है, हालेलुया, अद्भुत है, अनोखा है, अनुपम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, असंभव को संभव करने वाला है, अंधकार को ज्योति में बदलने वाला है। आज आपके मन में अंधकार हो, जीवन में अंधकार हो, वो यीशु जगत की ज्योति आपके अंधकार को ज्योति में बदल देगा। जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 18 और उसके 28 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरी सारे अंधकार को, हालेलुया, ज्योति में बदल देगा, प्रकाश में बदल देगा। He will turn my darkness into light. Hallelujah. मेरे प्रियो, हम बड़े मुश्किल दौर से हम निकल के आए हैं। हमने अपने कई प्रियजनों को, पहचान वालों को खो दिया इस कोविड के पहली लहर, दूसरी लहर जो इंडिया में एकदम से फैल गई और इतने लोग मरे, इतने लोग पीड़ित हुए कोरोना से, है ना? तो आपके मन में ये प्रश्न होगा जरूर, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि इतनी प्रार्थनाएं हो रही है, हर कलीसिया प्रार्थना कर रहा, हर विश्वासी प्रार्थना कर रहा है कि ये कोरोना महामारी, कोविड इस दुनिया से खत्म हो जाए, है ना? तो मेरे अंदर भी ये प्रश्न, क्योंकि कई लोगों ने नौकरी खो दी, उनके पास खाने पीने को नहीं, पैसे नहीं, सैलरी आधी हो गई, अपने प्रियजनों को, माता पिता, बच्चों को, जवान जवान छोटे छोटे बच्चों को खो दिया, और कई लोग कर्जे से, बोझ से दब गए। अस्पताल में 10 दिन एडमिट थे, 20 दिन एडमिट थे, 5 लाख 10 लाख का बिल आ गया, कहां से पैसा दें, लोन ले, क्या करें, कर्जों का दबाव, इतना मुश्किल दौर, और अभी भी ये कोविड जो है, कोरोना पूरी दुनिया से गायब नहीं हुआ है। इजराइल ऐसा देश था पहला जिसमें मास्क फ्री, कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं, और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया वहां, परंतु फिर से तीसरी लहर आई और उनको फिर से ये बोलना पड़ा कि मास्क लगाइए अपने नागरिकों से, इजराइल। और हम देख रहे हैं अभी ब्रिटेन में, रशिया में एकदम ज्यादा ज्यादा लोग रोज मर रहे हैं, कोविड से ग्रसित हो रहे हैं। तो आप सोचते होंगे हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, इतनी कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, ये कोरोना महामारी को दूर क्यों नहीं कर रहा है, है ना? आपके मन में ये प्रश्न है। आज यीशु का मैं उत्तर लेके आया हूं मेरे प्रियो। मेरे दिल में भी यही प्रश्न था कि कई लोग, कई कलीसियाएं, कई विश्वासी, कई भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहे हैं, ओ उनका एकदम 200 दिन, 250 दिन, 180 दिन, कई लोग 300 दिन चेन प्रेयर कंप्लीट कर रहे हैं, मगर महामारी जा नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। बाइबल में, मैं मेरे प्रियो, बाइबल जो है हमारे जो हाथों में है, आपके पास में है, वो जीवित वचन है, और वो क्या करता है, बातें करता है, इट्स द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, और द लॉर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स, है ना? तो हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इससे भजन संहिता 119:105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यीशु ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक जो परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, तो मैं भी ये प्रश्न के साथ बड़ा व्याकुल था, ऐसा क्यों हो गया, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, नौकरी चली गई, व्यापार बंद हो गया, हाय, मीटिंग्स होती थी ये सब बंद हो गई, क्रूसेड होते थे, हीलिंग मीटिंग, प्रोफेसी मीटिंग बंद हो गए, चर्च में आराधना बंद हो गई, एक साथ जमा होना बंद हो गया, क्यों, वाय वाय वाय, क्यों क्यों क्यों। यीशु मसीह, लिखा हुआ है भजन संहिता 34:18 में, यीशु मसीह
टूटे हुए हृदय वालों के बेहद समीप रहता है। जब आप टूटे हृदय के रहेंगे, जब आंसुओं के साथ, जब आप टूटे मन के साथ, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और टूटे ओपिसे मन को कुछ नहीं जानता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपका मन टूटा है, दिल टूटा है दुख से, लोगों के धोखा से, लोगों के अन्याय से, उन्होंने आपका मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण किया हो, और आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, हाय मैंने अपना प्रियजन खो दिया, हाय मेरे मुझे इतना नुकसान हुआ, ओ मेरी हानि हुई, खराब हो गया, क्यों? तो वैसे ही मैं ये प्रश्न के साथ यीशु से प्रार्थना कर रहा था, और मेरे प्रियो यीशु बातें करता है, शांति देता है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट इज द होप टू द होपलेस, जीसस क्राइस्ट इज द हेल्प टू द हेल्पलेस। हालेलुया, जिनका कोई बेसहारों का वो सहारा है, बेसहायक लोगों का वो सहायक है, अच्छा सहायक है यीशु। मेरे प्रियो, तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था यही प्रश्नों के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, कितनी प्रार्थनाएं हो रही है, ये कोरोना महामारी क्यों नहीं जा रही, और एक दिन यीशु ने बातचीत की, ओ द लिविंग लविंग गॉड जीसस क्राइस्ट स्पोक, उसने बोला अपने वचन से। और अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लें, भजन संहिता 106 और उसका 29 वचन, भजन संहिता 106 उसका 29 वचन, वहां लिखा हुआ है साम्स 106:29, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी फूट पड़ी। अपने कामों से क्रोध दिलाया किसको? परमेश्वर को। जब परमेश्वर क्रोधित हुआ तो क्या हुआ? मरी फैल गई, फूट पड़ी। यही तो हो रहा है ना आज इस दुनिया में, परमेश्वर क्रोधित है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, ओ डेवलप कंट्री, विकसित देश, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूरोपियन देश, उनके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी लाखों लोग मरे इस कोरोना महामारी COVID-19 से, क्यों? मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले इंडिया में आने से पहले मैं कुवैत गल्फ में नौकरी करता था, इंजीनियर था और पास्टर भी था वहां के एक चर्च का, और वहां पर मेरी कंपनी का बाहर से गेस्ट आते थे, स्वीडन से, यूके से, कनाडा से, यूएस से। तो एक स्वीडन से एक इंजीनियर आया, उसका नाम थॉमस, और मैं उसे पावर प्लांट वहाँ का जो कुवैत का था वहाँ पर उनको ले जा रहा था साइट विजिट के लिए। तो दूसरे दिन फ्राइडे था, फ्राइडे और वहाँ सैटरडे छुट्टी रहती, जैसे इंडिया में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, वैसे ही वहाँ गल्फ में फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कल वीकेंड है, आप क्या करेंगे? मैं बोला, मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रेयर मीटिंग जाऊंगा, है ना। तो उसके बाद मैं उनसे पूछा, आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्वीडन में? तो बोला, मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ, मैं मछली पकड़ने, फिशिंग करने जाता हूँ। मैं बोला, चर्च नहीं जाते क्या? नाम है थॉमस, चर्च नहीं जाते वो, फिशिंग और गोल्फिंग बस। बोला, चर्च मैं नहीं जाता। एक और आया इंग्लैंड से, लंदन से, एक बड़ी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, इंटरनेशनल वो कंपनी है, अलग अलग मिडल ईस्ट में, यूरोप में, और अपना चाइना में, फार ईस्ट में उनकी प्लांट्स है। वहां से इंजीनियर आया, जेम्स नाम, और मैं अपनी कार में, कंपनी ने मुझे कार दिया था, कंपनी कार, तो मैं उन्हें साइट विजिट के लिए रिफाइनरी ले जा रहा था जहां से पेट्रोल निकाला जाता है। तो मेरे कार में एक बड़ा सा क्रूस लगा हुआ था। हालेलुया, मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाना चाहूंगा। इमैनुअल,
वो क्रॉस दिखाइए थोड़ा सा, आइए जल्दी। हालेलुया। तो मेरे कार में वो क्रॉस लगा हुआ था, है ना, और बड़ा सा क्रॉस है वो कार के जो बैक मिरर रहता है ना उसमें, ये देखिए इतना बड़ा क्रॉस वहां कुवैत में मैंने लगाया था। लोगों ने मुझसे बोला, अरे भाई खतरा है, यहाँ तो दूसरे लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, यहाँ पर इतना बड़ा क्रॉस लगाते हो। मैं बोला मुझे यीशु पर विश्वास है, क्रूस मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे आशीष देगा। तो ये कार का जो बैक वो है मिरर, है ना, जो स्टेयरिंग के ऊपर में रहता है, वो वाले में मैं लगाया हुआ था, लटकाया हुआ इतना बड़ा क्रॉस। हो सकता है इंडिया में नहीं लगा सकते इतना, है ना, नहीं लगाते होंगे, मगर मैं वहाँ कुवैत में, अन्य जाति लोग हैं, वो लोग यीशु के क्रूस को नहीं मानते, परंतु प्रेज द लॉर्ड, एक गवाह के रूप में यीशु ने हिम्मत और अनुग्रह दिया, मैं लगाता था। तो वो इंग्लैंड का जो इंजीनियर आया था लंदन से, जेम्स, तो मेरे से बोलता है कि ये जो क्रूस पे जो टंगा है वो ही है और या शी है, ही और या शी है। मुझे इतना दुख लगा, गुस्सा आया, वो पूछ रहा है कि यीशु मसीह पुरुष थे कि स्त्री थे। हाय, जेम्स नाम है, मैं उससे पूछा, डोंट यू बिलीव इन गॉड जीसस क्राइस्ट, ही सेड नो आई डोंट बिलीव। और मेरी वो हंसी उड़ाने लगा कि इतना बड़ा क्रूस रखा हुआ है, ये मतलब तुम्हारे एक डिफेंस है, तुम इवल पावर के ऊपर ये आक्रमण करने के लिए ये चिन्ह रखे हुए है। मैं बोला यस, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बचा जाते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख लगा मेरे प्रियो, और भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे, इंग्लैंड में, यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ स्ट्रिप क्लब है, बिना कपड़े के लोग नाचते हैं, गाते हैं, पब से रात भर भीड़ की भीड़ वहाँ जमा होती है, डांस करते हैं, बियर शराब पीते हैं और ड्रग्स लेते हैं। गवर्नमेंट का कानून कहता है कि इट्स लीगल, अनुमति है आपको मारिजुआना लेने की। इतने भयानक पाप, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। साथ ही इंडिया में यीशु ने मुझे याद दिलाया क्या हो रहा था, खासतौर से कलीसियाओं में, विश्वासी लोगों में क्या हो रहा था। मेरे प्रियो, विश्वासी लोग क्या कर रहे थे, हमारे शहर जो है भिलाई, वो ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, नागपुर दिल्ली बंबई जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, मगर साल के हर एक महीने में जो कलीसिया जितनी भी है वो ऐसा हो जा रहा था कि ओवरलैप मीटिंग कर रही थी, ये वाली कलीसिया भी उसी दिन मीटिंग करा रही है, कोई बाहर से पंजाब से प्रीचर आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, है ना, कोई बाहर से आ रहा है, अमेरिका से, यूएस से, यूरोप से, गेस्ट स्पीकर साउथ अफ्रीका से, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, और ऐसा लाइन लग गई भाई। वो जैसे आज 20th, 21st, 22nd को वो एक चर्च करा रहा है, दूसरा चर्च भी उसी दिन करा रहे हैं, तीसरा चर्च भी, जबकि मसीही लोग, विश्वासी लोग बहुत कम हैं, मगर कलीसियां इतनी बढ़ गई हैं और अलग अलग सब अपनी मीटिंग्स करा रहे हैं, वही डेट में सब बुलाना चाह रहे हैं बाहर के। मुझे तो समझ में नहीं आता था, मैं अच्छा लगता था मुझे। एक बार मेरे घर में अभी 2 साल पहले एक पासवान आया, बोले कि हम पंजाब से एक बड़े प्रचारक को बुला रहे हैं, लाखों लोग उनके मीटिंग्स में आते हैं, और हमको सब, मैं डोनेशंस कलेक्ट कर रहा हूँ, दान इकट्ठा कर रहा हूँ मीटिंग आयोजित करने का। हमने भी दान दिया, उन्होंने पूछा और कौन है विश्वासी जो अच्छा दान देता है, हमने कुछ नाम भी वो बताया, और वो बातों बातों में बताए कि मैं जो अपनी गाड़ी में आया हूँ वो एकदम बाइक जो थी खटारा हो गई थी, उसका इंडिकेटर झूल रहा था और एकदम पुरानी बाइक, खटारा बाइक। बोले मैं मीटिंग के बाद 4-व्हीलर लेना चाहता हूँ, कार मैंने देख भी लिया है शोरूम में। मैं बोला अच्छा, अच्छी बात है भाई, हम लोग बोले ठीक है। और मीटिंग हुआ, और वो जो बाहर के पंजाब के आए वो बड़े प्रचारक,
पॉपुलर प्रचारक, फेमस प्रचारक, और जो मीटिंग्स के लिए चेयर्स का अरेंजमेंट है, वो जो आयोजन करता पासवान जो हमारे घर में आए थे डोनेशंस लेने के लिए, दान इकट्ठा करने के लिए, सबके यहाँ जा रहे थे, अलग अलग शहरों में जा रहे थे, अलग अलग चर्चेस में जा रहे थे, अलग अलग गांवों में जा रहे थे पैसे इकट्ठे करने के लिए, वो क्या कर रहे थे, सीट्स बेच रहे थे कि सामने फ्रंट रो में 500 रुपए की, 1000 रुपए की वीआईपी सीट, तो फर्स्ट क्लास सीट, सेकंड क्लास सीट, जो जमीन में बैठेगा उसको मुफ्त में, बाकी जो चेयर रहेगी उसके लिए पैसे 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, ऐसा करके, और मीटिंग्स के दौरान भी वो वैसा कर रहे थे। और उतने में ही वहाँ अनाउंस स्टेज से अनाउंस हुआ, वो पास्टर ने अनाउंस किया, जो गेस्ट स्पीकर आए थे फेमस पॉपुलर पास्टर, बोले मेरी मिनिस्ट्री फ्री में सेवा करती हूँ, मैं अपनी 100 लोगों की टीम के साथ आया हूँ, मेरी 100 लोगों की टीम पंजाब से बाई बस आई है, और मैं अपने आने जाने का एरोप्लेन का कोई टिकट नहीं, पैसे नहीं मांगता, और ना मैं सीट किसी को बेचता, ये मेरी मिनिस्ट्री में सब कुछ फ्री है, आप कहीं पर भी बैठिए। मगर जो आयोजन करता ऑर्गेनाइजर पास्टर है वो सीट बेच रहा है, वो अनाउंसमेंट के बावजूद। हाय, मुझे बड़ा शॉक लगा। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई, वो बोले कि हम जो दान रहता है, 3 दिन की मीटिंग है, 2 दिन की मीटिंग है, तो जो ऑफरिंग आता हर दिन वो यहाँ के पंडाल और माइक सिस्टम और स्टेज वेज के खर्चे के लिए, बाकी मेरा आना जाना, होटल में ठहरना, प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है कि मैं खुद उठाता हूँ, मैं दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनता, पैसे नहीं मांगता, ना वो करता हूँ। मुझे बड़ा सरप्राइज लगा, अरे ऑर्गेनाइजर पास्टर वो पैसे ले रहा है सीट बेचने का, जबकि जो आए हुए गेस्ट स्पीकर वो मना कर रहा है मैं फ्री में कहीं पर भी बैठिए। और उसके बाद मीटिंग्स ख़त्म हो गई, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उनको भाई हिसाब देना चाहिए था कितना पैसा आया, कितना कलेक्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, वो पास्टर ने ऑर्गेनाइजर ने कोई नहीं दिया, कोई अकाउंट, कोई हिसाब किताब नहीं। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जिसके वो प्रेसिडेंट थे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास्टर, वो प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी जिनको बनाया था, तो उन दोनों के बीच में ऐसा ये पैसों के लिए मतभेद हो गया कि अरे ये तो जो प्रेसिडेंट है, जो ऑर्गेनाइजर पास्टर है प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, वो पैसे का हिसाब नहीं दिया अभी तक, ना दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है। वो दोनों की बातचीत बंद हो गई, कमेटी टूट गई, बिखर गई, ये आज तक 3 साल बीत गए, बात नहीं करते एक दूसरे से, सोचिए। और उसके कुछ महीने बाद मीटिंग्स के आयोजन के बाद वो पास्टर जो हमसे पहली बार आए थे डोनेशन लिए मीटिंग से पहले, वो हमारे घर में आए, और मैं कहीं गया हुआ था बाहर, तो अचानक मैं जब मैं घर में आया तो देखा एक नई चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हुई है। मैं बोला कौन आया भाई नई गाड़ी में, एकदम चमचमाती हुई महंगी गाड़ी, बड़ी कंपनी की, तो अंदर देखा अरे वही पास्टर। मैं बोला बधाई हो पास्टर साहब, आपने नई गाड़ी ले ली, तो वो शर्माने लगे। मैं समझ गया, उन्होंने बोला था वो 4-व्हीलर लूँगा मैं, ये 2-व्हीलर लूँगा, नया वाला 4-व्हीलर लूँगा मीटिंग के बाद, तो पैसे इतने इकट्ठे हो गए कि वो अपने लिए बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अपने फैमिली वालों को अब बढ़िया ड्रेस पहना रहे हैं नए नए, और नई गाड़ियां ले ली मीटिंग्स के बाद। क्या ये पैसा कमाना हो गया? पहला तिमोथी 6:5 कहता है कि सम हैव मेड गॉडलीनेस एज ए मीन्स ऑफ गेन। गॉडलीनेस को, धर्म को क्या कर लिया, धार्मिकता को कमाई का जरिया बना लिया है। मेरे प्रियो, मैंने महसूस किया, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं, क्रूसेड का मीटिंग, हीलिंग मीटिंग, प्रोफेसी मीटिंग, फॉरेन से और बाहर से, इधर उधर से गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं,
और उनको इतना डोनेशन वो जो बाहर के स्पीकर आते हैं वो देते हैं कि साल भर उनकी बिल्कुल वो फुल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमने ये व्यापार बना दिया है? व्यापार बना दिया है चर्च को। बाइबल में लिखा हुआ यशाया 56:7 में, ये मेरा जो भवन है, ये जो मेरा चर्च है, कलीसिया है, प्रार्थना का घर कहलाएगी हर एक जाति के लिए। परंतु क्या हमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है? बाइबल में बहुत ही कम बार यीशु मसीह क्रोधित हुए, बहुत कम बार। और एक जगह लिखा हुआ उन्होंने कोड़ा भी चलाया। कब कोड़ा चलाया? अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 उसका 13 से लेके 18 वचन तक, वहां दिया हुआ मंदिर में जब यीशु ने देखा लोग कबूतर बेच रहे हैं, गाय बैल भेड़ बकरियां बेच रहे हैं, सराफ लोग बैठे हुए हैं सराफे में, ओ टेबल लगा लगा के, तो यीशु मसीह क्रोधित हुए और उन्होंने उसकी टेबल उलट दी, कोड़ों से उनको भगाया, बोला तुमने मेरे प्रार्थना के घर को, मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पहला तिमोथी 6:10 रुपयों का लोभ लालच सब बुराइयों की जड़ है। जड़, रूट ऑफ ऑल इवल द लव ऑफ मनी। क्या आज विश्वासी, हमारे अगुए, हमारे पासबान पैसों में बिक गए हैं, पैसों के पीछे जा रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन नहीं जा रही है। परमेश्वर, हमने पढ़ा भजन संहिता 106:29 में कि परमेश्वर उनके कामों के द्वारा क्रोधित हुआ और मरी फूल फूट पड़ी, फैल गई मरी। हाय, ऐसे ही तो हो रहा है मेरे प्रियो, है ना? तो यीशु ने बताया मेरी कलीसिया में भी, मेरे दास, मेरे जो सेवक है, उनमें भी ये संसारिकता, पैसों का लोभ, विलासिता आ गया है। इसके कारण मैं क्रोधित हूं। मंदिर में यीशु क्रोधित हुआ, कोड़ों से मार के उनको भगाया। आज भी मैं सोचता हूं ये कोविड ऐसा क्यों आया कि एक साथ क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? क्यों भाई? अलग अलग प्रकार का प्ले वो महामारी रहती है, मरी रहती है, प्लेग रहते हैं, मगर ये तो भाई इकट्ठे होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फैल जाएगा, इन्फेक्शियस है, संक्रमित हो जाएंगे लोग, हजारों लोग। मेरे प्रियो, आज हमको जांचना है, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो विश्वास कर रहे हैं, जो कलीसिया में विश्वासी के नाते आ रहे हैं, क्या हम लालच से आ रहे हैं? खाने का लालच, पैसों का लालच, पदवी का लालच, कुछ भी हो सकता है। बाइबल में 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा है, तू किसी वस्तुओं का लालच ना करना, ना किसी के गधे का, ना किसी के बैल का, ना किसी के घर का, स्त्री का, नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है लालच जो है मूर्ति पूजा के समान है। कुलुसियों 3:5 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, नहीं, आज हम जांचे और दुनिया के विश्वासी लोगों को बताएं कि वो जांचे, पछताप करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 7:14 कि यदि मेरे लोग जो, हालेलुया, यदि नम्र होके प्रार्थना करें, मुझसे विवाद ओ मुझसे क्षमा मांगे, तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, नहीं करे। और दूसरा एक और कारण मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे हबक्कू की किताब 3 और उसका 5 हबक्कू की किताब 3 और उसका 5 वहां लिखा हुआ है, उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। ओ, उसके आगे आगे, किसके आगे आगे? उससे पहले वाले वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उसकी ज्योति सूर्य के तुल थी और उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। परमेश्वर के बारे में बताता है, उसके ज्योति सूर्य के समान थी, हालेलुया, और उसके हाथों से किरणें निकल रही थी।
सामर्थ निकल रही थी, हालेलुया, चंगाई की, छुटकारे की, आशीषों की, यीशु नासरी, ओ जो धर्म का सूर्य है, उदय होगा आपके जीवन में, हालेलुया। जब अंधकार फैल जाएगा इस दुनिया में, तो हमारा परमेश्वर अपनी महिमा के साथ अपने लोगों में प्रकट होगा। यशया 60 उसका पहला और दूसरा वचन कहता है, जब अंधकार पृथ्वी को घेर ले, हमारा परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों पर प्रकट करेगा। His glory will be seen upon his people। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे मरी फैलती गई है ना, हमने पढ़ा अबक्कू 3:5 में, और उसके पांव से महाज्वर निकल रहा था, फीवर, हाई फीवर निकल रहा था। मतलब यीशु मसीह का आना निकट है, परंतु मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 साल में 5 साल में 10 साल में आ जाएगा। मेरे प्रियो, ये भी ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने और क्या बातें कही है। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 13 अध्याय और उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ सब जातियों में ये सुसमाचार जो है प्रचार होगा। क्या आज प्रचार हुआ है? अब जिस शहर में भी रह रहे हैं, जिस देश में भी रह रहे हैं, वहां के कई लोग आज भी यीशु के नाम को नहीं जानते, नहीं मालूम उनको यीशु कौन है। मेरे प्रियो, पहले ये सुसमाचार प्रचार होगा, तब यीशु आएगा। और लूका 21:11 में यीशु ने खुद कहा है कि क्या होगा अंत के दिनों में, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह काल और महामारियां फैलेंगी पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, यही तो हो रहा है, चंद्रमा जो है लाल हो जा रहा है, मून टर्निंग इनटू ब्लड है ना। परंतु क्या लिखा हुआ है, अगर 9वां वचन पढ़े, लूका 21 और उसका 9वां वचन, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। मेरी नानी बोलती थी, नानी, कि अरे यीशु मसीह आने वाला, मकान वकान बनाने की, शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना, ऐसा ना हो कि हम भी ऐसा सोच रहे हैं, अरे जो भी बिजनेस है, जो भी नौकरी है, उसको छोड़ो, यीशु मसीह आ रहा, आने वाला है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, खाली बैठ के नहीं, घर बार बेच के नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है यीशु, ये लिखा हुआ, परंतु तुरंत, उस समय तुरंत अंत ना होगा। मेरे प्रियो, तुरंत अंत ना होगा, इसलिए क्या करना है हमको, लूका 21:36 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या करते रहना हमको, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि आने वाले घटनाओं से, हम महामारी से, भूकंप से, अकाल से बचे, आप बचाए जाए। प्रार्थना करते रहिए, निवेदन करते रहिए, आपकी प्रार्थना को यीशु सुनेगा। मेरे प्रियो, तो हमने देखा कामों से परमेश्वर क्या होता है, क्रोधित हो जाता है, बुरे काम, अच्छे काम। मैं सोचता था, अरे एक बार यीशु पर विश्वास कर लिया, अब काम कुछ भी करे, चाहे बुरे काम करे, बेकार काम करे, गंदे काम करे, सब चलता है, एक बार यीशु पर विश्वास कर लिया तो फॉर एवर खत्म, स्वर्ग की टिकट पक्की। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दूंगा अगर तू वफादार, ईमानदार नहीं रहा, मेरे वचनों पर नहीं चला तो। और अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 25वां अध्याय और उसका जो वचन है, जो अंतिम न्याय के ऊपर दिया हुआ है कि आखिरी लोगों का कैसे न्याय होगा, मेरे प्रियो, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, मत्ती 25:31 से लेके 46 तक लिखा हुआ, न्याय के दिन क्या होगा, यीशु मसीह क्या प्रश्न पूछेगा, जब मैं भूखा था मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था मुझे कपड़े दिए, जब मैं कैद में था, जेल में था, क्या तुम मेरे पास आए, जब मैं अस्पताल में था क्या मुझे देखने आए,
और मत्ती 25 उसका 40वां वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, जी हाँ, हमारे कामों के अनुसार न्याय होगा। कामों के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय और उसका 13वां वचन, वहां स्पष्ट दिया हुआ है कि कैसे न्याय होगा। हालेलुया, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग से वह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता हाँ, क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारे कार्य हमारे साथ हो लेंगे। अच्छे काम किए हैं, हमारा अच्छा काम हमारे साथ हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, फिर मैंने बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कामों के अनुसार न्याय किया गया। यर्मिया की किताब 17 अध्याय 10वां वचन कहता है, मैं परमेश्वर, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कामों का, क्या हमारे काम अच्छे हैं जो हमें यीशु हमारे लिए इनाम देगा, या बुरे हैं जो दंड के योग्य होगा? जांचिए मेरे प्रियो, जांचिए अपने हृदय को। अगर हम पढ़ेंगे यर्मिया 32:19 में भी दिया हुआ है, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमारा हिसाब करेगा, कामों के अनुसार हमको प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचे मेरे प्रियो कि क्या हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम या बुरे काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को देखता है। हालेलुया। यिर्मयाह 32:19 में लिखा हुआ, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। हर एक को उसकी चाल चलन और उसके कामों का फल भुगतना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन में, जैसा जो मनुष्य जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 62 और उसके 12वें पद में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारा न्याय करता है, हमको प्रतिफल देता है हमारे कामों के अनुसार। ये वचनों मेरे प्रियो बहुत ही अनमोल है, मोती के समान, सोने से भी ज्यादा मूल्यवान खजाना है ये वचन। पढ़िए भजन संहिता 62 उसका 12वां वचन, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है क्योंकि तू हर एक 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 जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है, बदला देता है कामों के अनुसार। और तीतुस की किताब 2वां अध्याय उसका 14वां वचन, वहां दिया हुआ है मेरे प्रियो कि कैसे करना, अगर हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हमारे काम कैसे होने चाहिए। तीतुस की किताब 2वां अध्याय 14वां वचन, वहां लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जोशीले हो। हमें एक भली जाति बनाने के लिए जो भले भले कामों में जोशीले हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, ये काम के बारे में बोल रहा है, भले काम, अच्छे काम। हालेलुया। उसी तीतुस का 3रा अध्याय और 8वां वचन कहता है, तीतुस 3रा अध्याय 8वां वचन,
यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। भले भले कामों में लगे रहें, हमारे लिए भली और हमारे लाभ के लिए, फायदे के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ। इफिसियो दूसरा अध्याय 9वां 10वां 8वां, इफिसियो दूसरा अध्याय 8वां 9वां 10वें वचन में लिखा हुआ है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं कि हम घमंड करें, परंतु जब हमारा उद्धार हो गया, यीशु के लहू से धुल गए, यीशु ने अपना बेटा बेटी बना लिया है। यीशु मसीह चाहते कि हम भले भले कामों में, अच्छे अच्छे कामों में जोशी ले रहे, सरगर्म रहे, हालेलुया, गुनगुने ना रहे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जो गुनगुना है उनको क्या करता है परमेश्वर, मुंह से उगल देता है। ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे मुंह से निकल ओ उल्टी करने का हूं, मैं निकलने का है, उगलने का हूं, हालेलुया। ना ऐसा हम नहीं चाहते कि यीशु हमको उगल दे, नहीं मेरे प्रियो। तो क्या करना है, भले काम। मेरे प्रियो, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो हमारे मम्मी पापा BSP में थे, तो वो जाते थे, उनको प्लांट जो है वो BSP का वो देता था LTC, है ना। तो हम हिल स्टेशन जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, और गर्मियों की छुट्टी में क्या होता था, जब हम जा रहे हैं तो बेहद गर्मी पड़ती थी, मई जून का महीना, और स्टेशन पड़ते थे उस समय दुर्ग से नागपुर तक का डीजल इंजन हुआ करता था, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था वो उसका रेलवे लाइन का, दुर्ग से नागपुर तक, नागपुर के बाद आपको दिल्ली तक इलेक्ट्रिकल वो लाइन मिलता था डीजल से, और भयंकर गर्मी रहती थी मई जून में, तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर, 44 पहुंच जाता था। और स्टेशन में बड़े बड़े, जब भी स्टेशन में ट्रेन रुकती तो हमको कुछ वॉलेंटियर्स आते थे, बड़े बड़े मटके में ठंडा पानी देते थे, शरबत देते थे मुफ्त में। और मैं देखता था, ये दूसरे समाज के लोग हैं, मसीही समाज के लोग नहीं है। मसीही समाज कहाँ है मेरे प्रियो? इस कोविड में भी ज़्यादातर हमने देखा दूसरे समाज के लोग, अन्य जाति लोग हमसे ज़्यादा भले भले कामों में लगे हुए हैं, परंतु मसीह समाज क्या है, पैसे इकट्ठे करने में, प्रॉपर्टी बनाने में, गाड़ी खरीदने में, अच्छे सूट बूट पहनने में, नहीं मेरे प्रियो, भले भले कामों में। क्योंकि यीशु पूछेगा, जब मैं भूखा था तो तुमने खिलाया क्या, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पिलाया पानी, यीशु पूछेगा। मैं ये सोचता था कितने भले लोग हैं वो दूसरे समाज के लोग, ठंडा पानी इतनी खुशी से, इतने जोश से, हर एक पैसेंजर के पास जैसे ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रुकती है वो पानी पिलाते हैं ठंडा, वो शरबत पिलाते हैं गर्मियों के समय। मेरे प्रियो, मसीही लोग कहाँ है, विश्वासी लोग कहाँ है? आज यीशु मसीह ढूंढ रहा है। एक परमेश्वर के बड़े दास थे विलियम बूथ, इंग्लैंड में रहते थे। वो कहते थे वहाँ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय आया था और वहाँ भूखमरी और अकाल भी पड़ गया था और लोग मर रहे थे, प्लेग ये सब फैला हुआ था। तो उस समय परमेश्वर ने उन्हें ये भले कामों का ओ दिल में बोझ डाला और उन्होंने 3 शब्द ऐसे बोला। पहले सोप, सोप मतलब साबुन, लोगों को गंदे हैं, इतने महीने भर से, हफ्तों भर से, 10 दिन से नहाए नहीं है, उनको पहले नहलाओ। और फिर सूप मतलब उसको, उनको सूप पिलाओ, प्यासे हैं वो, सूप पिलाओ, उसके बाद सेल्वेशन दो, इसके बाद शुभ समाचार दो, शुभ संदेश दो, खुशखबरी दो, यीशु का प्यार की, यीशु के सामर्थ की। सोप, सूप, सेल्वेशन, पहले उनको उनका जो शारीरिक वो है
आवश्यकता नहाने की, कई दिनों से नहीं नहाते थे, कई महीनों से नहीं, उनको नहलाओ ताकि वो ताजगी महसूस करे, और उनको सूप पिलाओ ताकि उनको मजबूती महसूस मिले, ताकत मिले, और फिर उनको यीशु के प्यार के बारे में बताओ। बताओ मेरे प्रियो, आज मुझे याद आता मदर टेरेसा का। हम सब जानते हैं मदर टेरेसा को। ओ जब वो यूरोप से आई इस देश में, वहाँ जब ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तो एक दिन यीशु ने बोला उन भिखारी उन कोढ़ी लोगों को देख के जो ट्रेन के किनारे पड़े हुए हैं स्लम एरिया में, वो बोला, यीशु ने बोला उनसे, मेरी बेटी उनकी सेवा कर। वो यहीं रुक गई। यूरोप में ना कोई डस्ट है, ना कोई मच्छर मक्खी है, इंडिया तो धूल से भरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ, फुल ऑफ मॉस्किटो है ना, फ्लाइज है, मगर वो सब छोड़ के, अपनी आराम सुख सुविधा छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के इंडिया में मिशनरी के रूप में आई। और कौन से शहर में रुकी? कलकत्ता, जो सबसे गंदा शहर था उस समय। ओ अलग अलग प्रकार की बीमारी, कोढ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेटे हुए, कोई उनको पूछने वाला नहीं, लोग जा रहे हजारों लोग, हाय क्यों। उनके मन में दया आई, उन्होंने अपने पास्टर को, बिशप को बोला कि इनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ। और प्रभु यीशु ने बिशप के दिल को खोला, बोला ठीक है लाओ उनको। और फिर उन्होंने कोढ़ियों की, अनाथ लोगों की, बुजुर्गों को, विधवाओं को, जो बेसहारा लोग हैं उनको लाया, गरीब लाचार लोगों को पढ़ाया लिखाया और उनकी ट्रीटमेंट कराई, उनको दवाइयां, उनका इलाज कराया। मेरे प्रियो, ऐसा करते करते जो बाजू में वो एक अपना ऑर्फनेज चालू कर ली उन्होंने वहाँ कलकत्ता शहर में, तो जो उनका पड़ोसी था, वो दूसरे समाज का प्रमुख था, वो बड़ा गुस्सा हो गया कि कैसे अछूत लोगों को, कोढ़ी लोगों को, कोढ़ी मतलब जिनका मांस गल जाता है मेरे प्रियो, हड्डियां दिखने लगती है, ऐसे लोगों को ये नन, ये बहन ले आ रही है, उनके घाव पर मलहम पट्टी कर रही है, भिखारी लोग जो गटर में पड़े रहते हैं नालियों में, उनको उठा के नहलाती है, खाती खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है। उस बड़ा क्रोधित हुआ, उसने डांटा ना वो मदर टेरेसा को, बंद करो ये, नहीं तो इसका नतीजा बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही तुम्हारे लिए डेडली होगा। मानी नहीं, मगर वो तो बोली मेरे को यीशु का प्रेम विवश करता है, जैसा कुरंथियों में पौलुस कहता है, मसीह यीशु का प्रेम विवश करता है, द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स अस, कंस्ट्रेन्स अस टू डू गुड, टू टच द अनटचेबल, टू रीच द अनरीच, टू गिव होप टू द होपलेस, टू हेल्प द हेल्पलेस, बेसहारों की मदद, अनाथों की, विधवाओं की और कोढ़ियों की मदद करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए यीशु का प्यार मुझे द्रवित करता है, उंडेलित करता है, मुझे उभारता है, मुझे उकसाता है, विवश करता है। तो वो जो दूसरे समाज का, दूसरे विश्वास का जो प्रमुख था, वो बुलाया अपने चेलों को, बोला कौन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, हिस्ट्री सीटर है, मर्डरर है, हत्यारा है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, सबसे बड़ा वहां का गुंडा, हिस्ट्री सीटर, जिसने मर्डर किया था कई लोगों का, और उससे कहा गया कि देखो अभी ये 50,000 रुपए लो, और 50,000 रुपए काम के बाद, क्या काम करना है तुमको, वो जो बाजू में रहती है ना नन मदर टेरेसा, जहाँ पर भिखारी लोग, भिकमंगे लोग, कोढ़ी लोग रहते हैं, उनकी वो सेवा करती है, देखभाल करती है, इलाज करती है, खाना खिलाती है, जाके उसको मारना है, मर्डर करना है उस मदर टेरेसा का। वो बोला ठीक है, 50,000 रुपए 30 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ऊंची रकम होती थी 50,000 रुपए 30 साल पहले,
और वो 50,000 रुपये लेके खुशी से आ गया, बोला जब मैं काम कर दूं, जब उसकी मैं हत्या कर दूं, फिर 50,000 रुपये आके ले जाऊंगा। बोला ठीक है जाओ, कल ही चले जाओ। और वो गया। दूसरे दिन मदर टेरेसा के आश्रम में पहुंचा। जैसे ही उसके गेट में पहुंचा तो मुस्कुराते हुए एक नन बहन ने स्वागत किया। बोला क्या? बोला मुझे मदर टेरेसा से मिलना है, उससे काम है। तो उन्होंने कहा मदर टेरेसा फर्स्ट फ्लोर में है, कोढ़ी लोग है ना, वो कोढ़ियों लोगों का कमरा है, वहां पर उनको उनके घाव साफ कर रही है, उनको नहला रही है और उनको खिला रही है। वो गया पहला फ्लोर में जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ के, और उसके पॉकेट में एक बड़ा बड़ा सा छुरा था, वो चाकू था, किसी चाकू से मैं उसको 20-25 वार करके मार डालूंगा, खूना खून कर दूंगा और मदर टेरेसा की मैं हत्या कर दूंगा। जैसे ही वो गया, मदर टेरेसा एक कोढ़ी के घाव को अब बड़े प्यार से धो रही थी कपड़ों से, और वो कोढ़ी कुछ देर बाद बोलने लगा मुझे भूख लग रही है। तो मदर टेरेसा ने खाना लाया और अपने हाथों से उसे निवाला बना के खिलाने लगी, क्योंकि वो कोढ़ी के जो दो वो हाथ थे नहीं थे, गल गए थे, सड़ गए थे, वो खा नहीं सकता था खुद। मदर टेरेसा ने जैसे एक छोटे बच्चे को माँ खा नहीं सक, वो बच्चा खा नहीं सकता खुद से, खिलाती है ना, मदर टेरेसा वो कैदी को, वो कोढ़ी को खिला रही थी अपने हाथों से। वो देख के दंग रह गया और देखा और कि मदर टेरेसा बड़े प्यार से उसको खिला रही है 4-5 निवाला, और उसके बाद अचानक से वो कोढ़ी ने खाते खाते उल्टी कर दी, उल्टी कर दी। तो जो उल्टी है उसको मदर टेरेसा ने अपने हाथों में अपनी साड़ी में उठा लिया। उसको याद आने लगा, अरे मेरी भी पत्नी है, मेरा भी बच्चा है, मेरा बच्चा जब छोटा था उल्टी कर देता था तो मेरी पत्नी उसको डांटती थी, अरे उल्टी क्यों कर दिया, मेरी साड़ी गंदी कर दिया तूने, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मगर ये मदर टेरेसा इतने प्यार से वो उल्टी को उठा रही है और अपने कपड़े से पोंछ रही है और फिर से उसको निवाला बना के खाना खिला रही है। फिर दो निवाला खा के फिर से उसने उल्टी कर दिया। फिर से मदर टेरेसा ने बड़े प्यार से खुशी से हंसते हुए वो उल्टी को उठाया अपने हाथों से, अपने कपड़ों से। उसके चेहरे में मदर टेरेसा के गुस्सा शिकन नहीं आई, अरे क्यों उल्टी कर रहा है, ये कोड़ी तो देखा भी नहीं जाता। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, दिल्ली एक बार मैं गया था कई साल पहले, मैं दिल्ली स्टेशन में एक कोड़ी को देखा था। मुझे ठंड का, जनवरी का समय था, बेहद शीत लहर कोल्ड वेव चल रहा था, पानी गिर रहा था, कोहरा छाया हुआ था, मुझे लगा कि मैं एक कोड़ी है, उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, मैं चादर ओढ़ा देता हूँ। परंतु जब मैं पास गया तो मुझे चादर ओढ़ाने में भी बड़ी वो लगने लगी, संकोच, घृणा लगने लगी, हाय इसकी हड्डियाँ दिख रही है, मांस गल गया है, घाव दिख रहे हैं। परंतु ये मदर टेरेसा बड़े प्यार से उसके घाव को साफ करके उसकी उल्टियों को उठा रही है अपने हाथों में, ताकि उसका जो वो जो शरीर है, गला हुआ शरीर, वो मांस है, उस पर ना गिर जाए, फिर से गंदा ना हो जाए। वो प्यार को देखे, आंखों में उसके आंसू आ गए, उसका कठोर दिल पिघल गया। बाइबल बताती है एजकेल 36:26 में, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुम्हारा पत्थर का सा दिल, कठोर दिल हटा के, निकाल के मुलायम दिल, मांस का हृदय दूंगा, प्यार भरा, तरस भरा, दया से भरा हुआ। क्योंकि यीशु मसीह तरस से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, दया का सागर, क्षमा का खानी है। भजन संहिता 86 उसके 15 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, ओ पूरा प्यार से भरा हुआ है। भजन संहिता 111:4 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 116:5 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 145:8 वचन में लिखा हुआ है, योना
चारदों में लिखा हुआ है, नहेमिया 9 में लिखा हुआ है कि यीशु हमारा परमेश्वर प्यार से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लव फॉर यू, आपके लिए मेरी बहन, आपके लिए मेरे भाई, आपकी जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफें हैं, जो आपको सता रहा है, जो अन्याय सह रहे हैं, वो आपका मुकदमा लड़ेगा। वो यिर्मयाह 51:36 के अनुसार परमेश्वर कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, मैं उन्हें बदला दूंगा। और वो हमारा यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, हमारा वकील है। हालेलुया, उसकी स्तुति करे, उसकी तारीफ करे। वो वहां हत्यारा जो हत्या करने आया था, तुरंत उसने घुटने टेके, उसके आंखों से आंसू की धार बहने लगी और माँ के मदर टेरेसा के पैरों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया, माँ मुझे क्षमा कर, मैं तुझे मारने के लिए, हत्या करने के लिए आया था, 50,000 रुपए मुझे मिल गए थे और 50,000 तेरी हत्या के बाद मुझे मिलने वाले थे, परंतु नहीं, ये चाकू मैं फेंक देता हूँ, मैं आज से तेरे साथ सेवा करूंगा, इन कोड़ी, इन अछूत, इन अनाथों की, इन विधवाओं की, इन ओ बुजुर्गों की, इन बेसहारों की, हो मैं सेवा करूंगा। और उसका हृदय प्यार से, मदर टेरेसा के प्यार से पिघल गया। ये है भले भले काम, ये है भले भले काम। हालेलुया, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी कलीसिया कर रहे हैं, क्या हमारे अगुए कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अपने हृदय को जांचिए। मैं चाहता हूँ हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे, एक समर्पण की, एक पश्चाताप की, हाय मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मेरे काम बुरे हैं, ओ स्वार्थ के हैं, पैसों के लालच के हैं, पदवी के, खाने के लालच के, मेरे सब काम है, मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ। परंतु यीशु मसीह निस्वार्थ सेवा चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या वो शुद्ध मन वालों से प्रसन्न रहता है? परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, वो शुद्ध मन वालों को प्यार करता है, और जो इतने शुद्ध मन के हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आज ही करें। ओ, दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार, यदि मेरे लोग, प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, यीशु के कहलाते हैं, दीन होकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। क्या करना है? दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिर जाएं, बुरे काम छोड़ दें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका सारा पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा, महामारी को भगा देगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने तो ये महामारी लाया है, वो क्रोधित है परमेश्वर। जैसा हमने भजन संहिता 106:29 में पढ़ा, 29 में, गॉड इज एंग्री। नहीं मेरे प्रियो, आज उसके क्रोध को शांत कर दें, पश्चाताप करें, बुरे काम से फिरे, भले भले काम में सरगर्म हो जाए। तीतुस 2:14 के अनुसार, तीतुस 3:8 के अनुसार, हालेलुया, क्योंकि हमारा न्याय, प्रकाशित वाक्य 20:12 प्रकाशित वाक्य 20:12 प्रकाशित वाक्य 14:13 के अनुसार कामों के अनुसार होगा। मत्ती 25 में भी, ओ श्वेत सिंहासन का न्याय हमारे कामों के अनुसार होगा, हमारे वस्त्र, ओ हमें नहीं बचा सकते, ये जो हमारे भले धर्म के काम है नहीं बचा सकते, परंतु जो बचा सकता है यीशु का लहू और यीशु का प्यार, जो हमने भले भले कामों से निस्वार्थ किया। यीशु मसीह उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, किनसे? सदूकी फरूसी, जो दिखावे के लिए दान चढ़ाते थे, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे। नहीं मेरे प्रियो, हमें दिखाना नहीं है, ईमानदार, वफादार, हृदय शुद्ध रखना है, निष्पाप, निस्वार्थ भाव से यीशु की सेवा करना है, चाहे दुख आए, कष्ट आए। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते इतने सुंदर वचनों से। आज आपने अपने लोगों को ये दिल में ये बीज बोया है कि वो पश्चाताप करें, बुरे कामों से फिरें, सारा लोभ, लालच, पैसों का,
विलासिता का, सुख चैन जिंदगी का, खाने पीने का, ओ दूर हो, दूर हो, दूर हो यीशु, दूर हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं पिता कि आप क्रोधित क्यों होते हैं पिता। हालेलुया। यहेजकेल में भी अगर हम पढ़ेंगे तो आप क्यों सदोम और गमोरा से क्रोधित हुए और उनका नाश किया था पिता। यहेजकेल 16 अध्याय उसका 49 वचन कहता है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपने पुत्रियों सहित घमंड करती। घमंड नहीं करना है, नम्र बनना है। मदर टेरेसा को एक बार वो पैसे मांग रही थी ओ सेवा करने के लिए लोगों से, तो एक बड़ा इंजीनियर ओ अन्य जाति उसने उसके हाथों में थूक दिया मदर टेरेसा के, तो मदर टेरेसा ने उस थूक को लिया, अपनी साड़ी से पूछा, बोला बेटे ये तो मेरी मेरे लिए तुमने थूका है, मेरे ऊपर थूका है, परंतु मेरे अनाथ बच्चों, मेरे कोढ़ी, मेरे बुजुर्गों, बेसहारा भिखारी लोगों के लिए मुझे दे दो, मेरी सेवा के लिए उनके खाने के लिए कुछ पैसे। वो देख के वो बड़ा इंजीनियर, उसका घमंड टूट गया मेरे प्रियो। तो सदोम और गमोरा का ये जो पाप जो था क्या था, घमंड था, और वो बड़े सुख चैन से खाने पीने में लगे रहते थे मेरे प्रियो। जैसे हमने पढ़ा यहेजकेल 16:49 में, देख तेरी बहन सदोम का धर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। नहीं मेरे प्रियो, हमें दीन दरिद्रों की सुधि लेना है, घमंड नहीं करना, नम्र बनना है, क्योंकि जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो ऊंचा किया जाएगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। घमंड के पाप से बचे, सुख विलास हो, पेट भर भर के खाना, सुख चैन से रहना, छोड़ के यीशु के लिए दुख उठाए, क्रूस उठाए उसका। हालेलुया। और यहेजकेल 18:30, 31 और 32 में भी दिया हुआ है कि अपने अपराधों को छोड़ो, तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हारे ठोकर का कारण ना होगा। अपने सब अधर्मों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल तुम क्यों मरो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे भाई मेरी बहन आप जीवित रहेंगे, पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए अपनी बुरी चाल से, ओ फिर जाइए, छोड़ दीजिए बुरे काम, बुरी चाल चलन, ओ पवित्रता के साथ, ओ भले मन से, निस्वार्थ मन से सेवा करे, यीशु आशीष देगा, यीशु आशीष देगा। आइए आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, यीशु आपके पास खड़ा है। वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी क्यों रो रही है, तुझे तो दुख हुआ है, तेरे दुखों का दिन का अंत होगा। ओ यशया 60:20 के अनुसार तेरे विलाप के दिन का अंत हो जाएगा, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। यह उन्ना 16:20 के अनुसार तेरा यीशु तेरी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि वो दी बेस्ट एडवोकेट है, सबसे अच्छा वकील है। पहला योहन्ना 2:1 के अनुसार, हे यीशु हम प्रार्थना करते, हर एक भाई हर एक बहन को अपने खून से धो दीजिए यीशु, आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला योहन्ना 1:7 के अनुसार, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हालेलुया। यीशु अपने लहू से धो दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, तू पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया। आइए प्रार्थना ओ में एक कोरस गाएंगे और कहेंगे, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा,
मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, शहर बाजार में गांव देहात में, शहर बाजार में गांव देहात में, काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों को यीशु आपकी पवित्र आत्मा सामर्थ दे, उनके हृदय में आपका प्रेम उंडेल दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का प्रेम उंडेल दिया जाए रोमियो 5:5 के अनुसार पिता। हालेलुया। ओ द लव ऑफ गॉड फ्लो इन देयर हार्ट सो दैट दे मे ओ एक्सेल इन डूइंग गुड वर्क्स। हालेलुया। ग्रेट वर्क्स, ग्रेशियस वर्क्स, आपके लिए भले भले कामों में, अच्छे कामों में सरगर्म रहे, जोशीले हो, फुर्तीले हो चर्च में, चाहे वो वॉलंटियर की सेवा हो, माइक को झाड़ू लगाना, ओ वॉशरूम साफ करना चर्च को, ओ डस्टिंग करना, चाहे माइक स्पीकर का अरेंजमेंट करना, दरी बिछाना, सब बातों में वो खुशी से आनंद से काम कर सके, क्योंकि आपने कहा है पहला कुरंतियों 15:58 में कि हमारा परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। प्यारे यीशु हर एक भाइयों हर एक बहनों को अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए, आशीष दीजिए, उन्हें आंसुओं को पोछिए, सारे दर्द को, सारे बोझ को यीशु के नाम से दूर कीजिए। आपकी शांति, यीशु की शांति भर दीजिए, भर दीजिए, शांति के राजकुमार, ओ हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य अद्भुत चमत्कारी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग बोलिए हालेलुया। जाने से पहले मैं आपके लिए, मेरी मम्मी हमेशा ना अच्छी अच्छी वो मॉडल्स बनाती है, तो मैं तो उतना ज़्यादा नहीं, मगर मैं आपके लिए एक क्विज लाया हूँ, फोटो क्विज। ये देखिए फोटो दिख रही है आपको, दिख रही है ना, ये घोड़े गधे में बैठ के जा रहा है और उसका जो सिर है किसमें फंस गया, डाली में, तो वो कौन था, बाइबल का डाली, जी जी कौन था ये, कौन था ये बाइबल में दिया हुआ है, राजा, हाँ कौन सा राजा था ये, राजा राजा, हाँ तो कौन सा राजा, क्या नाम था, देख रहे हैं ना स्पर्श दिख रहा है, ये देखिए गधे में बैठ के जा रहा है और उसके गले जो है बाल जो फंस गए टहनी में, ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, हालेलुया। कौन था कोई नहीं बता सकता, अब्सलोम, जो दाऊद का बेटा था अब्सलोम, है ना, उससे विद्रोह किया, वो राजा बनना चाहता था, दाऊद अपने पिता को मारना चाहता था, परंतु क्या हुआ, वो खुद इस डालियों में बैठ वो फंस के मर गया। और भी मेरे पास कुछ क्विजेज हैं, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आपका बाइबल नॉलेज इससे क्या होगा, बढ़ेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। देखिए ये अब एक कीड़ा दिखा रहा हूँ, जैसे कोरोना वायरस है ना, तो परमेश्वर ने एक कीड़े का उपयोग किया, जानते हैं ये क्या है, देखिए दिख रहा है, मॉस्किटो, दिख रहा है, ये बरैया, बर्रे, परमेश्वर ने बर्रे भेजे, यहोशू की किताब 24वां अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जो हित्ती राजा थे, अमोरी राजा थे, बड़े बड़े राजा,
उनको कैसे परमेश्वर ने भगा दिया अपने प्रजा इसराइलियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, बर्रों को भेज के, है ना, भर काले काले जो रहते हैं भर आवाज करके, और एक बार काटते हैं ना तो पूरा जिंदगी भर वो जख्म रहता है। मेरे पिताजी को बचपन में काटा था, आज भी वो 76 साल के हो गए, अभी भी वो चिन्ह है बर्रिये का, बर्रे का काटने का। यहोशू 24 उसके 12वें वचन में पढ़ लीजिएगा आप, है ना। और उसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 20वें वचन में भी दिया हुआ है कि परमेश्वर ने बर्रों को भेजा। हालेलुया। और बाइबल हमको बताती है, देखिए ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मुंह दिख रहा है, मुंह में क्या है, चेन बंद है ना, तो हमें अपने मुंह की रखवाली करना है नीति वचन 18:21 के अनुसार, क्योंकि जीवन और मृत्यु मुंह में है। देखिए चेन लगाया हुआ, जिप लगाया हुआ है, मतलब बड़ा देखभाल करके बकबक करते नहीं रहना है, मुंह खोलना है तो, क्योंकि जीवन और मृत्यु वचनों में है, शब्दों में है, मुंह में है, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वो ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, कुत्ते, है ना, कुत्तों के बच्चे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये कुत्तों के बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो एक हमको बाइबल लेसन इससे इनसे मिलता है। और देखिए इनका इससे ये जो ये है हाथी, है ना, ये देखिए हाथी, हाथी का कौन सा, एक छोटा बच्चा है ना, डाउन 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 डाउन, ठीक है, या, या, हाँ, ओके, ओके। तो ये कुत्तों के कितने हमने बच्चे देखे, देखिए 4-5, और हाथी के कितने दिख रहे हैं, एक, एक एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये डाउन 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 डाउन, हाँ, यस यस सिस्टर, आई एम डूइंग, हाँ, दैट्स ओके, या। तो इससे हमको बाइबल लेसन मिलता है एक, कि कुत्ते लोग हर 3-4 महीने में बच्चे पैदा करते हैं, परंतु हाथी कितने कब करता है मालूम है आपको बच्चे पैदा, 1.5 साल में केवल एक ही बच्चा पैदा होता है, परंतु जब हाथी चलता है ना तो क्या होता है, हाथी जब चलता है तो सब लोग डर जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसी आशीषें जो आप मांग रहे हैं लेट हो रहा है, तो मतलब है लेट ब्लेसिंग्स मीन लेटेस्ट ब्लेसिंग्स। लाजर जो था 4 दिन हो गया था, लेट हो गया था, यीशु मसीह मर गया, बदबू आ रही है कब्र में से, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया, लेटेस्ट मिराकल किया, उसको मुर्दों में से जिला दिया। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं बच्चे के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, याद रखिए परमेश्वर आपको एक बड़ी अच्छी नौकरी ओ सफलता देगा। और ये देखिए ये क्या दिख रहा है, कौन बता सकता है, कछुआ, कछुआ, ये देखिए कछुआ है ना, कछुआ का क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या रहती है इसका, कि वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो इसमें दिया हुआ है याकूब की किताब 1:19 क्या लिखा हुआ है, कि क्रोध में व्यक्ति धीमा हो, हमें क्रोध गुस्सा नहीं करना है ज्यादा, और क्या है, धीरा धीमा होना चाहिए, जैसे कछुआ चलता है, कछुआ चलता है तो बड़ा धीमा चलता है, तो वैसे हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे घमंड को, क्रोध को, हमारी जो भी दिक्कतें हैं वो क्रूस पर उठा लिया, क्रूस पर उठा लिया। जीसस डाइड फॉर अवर सिंस, जीसस डाइड फॉर अवर सिंस, हालेलुया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आशीष मिली होगी। और ये देखिए कुत्ते लोग बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, है ना। और उसके साथ साथ ये वचन है फिलिपी 4:5 कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, हालेलुया, सब मनुष्यों पर
प्रकट हो, कितने कोमल दिख रहे हैं ये, कितने कोमल दिख रहे हैं, है ना, मासूम दिख रहे हैं, हमारी कोमलता भी सब लोगों पर प्रकट हो। हालेलुया, कितने लोगों ने आशीष प्राप्त की, बाइबल नॉलेज गेन किया, आमेन आमेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं मम्मी के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, शी से मीन्स हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, आई एम वेरी नॉट कंपेरेबल, सो बट आई ट्राइड समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। आप लोग की बोलिए, कम ऑन, कुंदा, अनुषा, मनोहर, रोशनी, आप ही बोलिए, जय, जल्दी जल्दी। आंटी, आंटी मैंने सुना नहीं क्या? मैं बोली आप लोग बोलिए, आपको वचन कैसा लगा, और ये जो चित्र बताकर बाइबल नॉलेज और बाइबल रेफरेंसेस दिए हैं, आपको कैसे लगा? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा आज सैमुएल पास्टर ने बताए हैं, और बहुत गहरी बातें परमेश्वर ने के द्वारा उन्होंने बोली है बहुत, और जो मैप बताए उन्होंने उससे तो इतना अच्छा लगा कि जैसे बहुत अच्छा, और जो मदर टेरेसा के बारे में उन्होंने जो गहरी बात बताई वो भी बहुत दिल को छूने वाली बात, आत्मा को टच करके कर दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहती हूँ कि उन सारी बातों से हम इतना कुछ सीखने को मिला, एक ऐसा प्रेम और ऐसी दया, ऐसी करुणा परमेश्वर की यानी हमारे दिल में उतर। अजय, कुंदा, मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा आज उनके पास्टर जी ने जो हमें बताया, आज प्रॉमिसेस जो गॉड के बताए, एक विद एग्जांपल ऑफ टेरेसा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक अपना इंसान का कठोर दिल कैसे परिवर्तित हो जाता है, अपने से मुक्त होकर अगर अच्छे काम करते रहे और आगे बढ़े तो सही में प्रभु भी हमारे मन में आ जाएगा, प्रभु के वो कोमलता प्रकाश हमें चमकेंगी, वो उन्होंने आज अपने वचनों के द्वारा हम पे आशीष बरसाई, इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू,